हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से राधे राधे। तो ये जो क्लिप है ना, ये संडे की है, संडे का दिन था तो आज बच्चों ने बोला था, मम्मी बहुत दिनों से आपने चिप्स नहीं तले हैं तो चिप्स तल दो। कभी कभी ना हम इनको चिप्स को चाय के साथ खाते हैं तो अच्छे लगते हैं, लेकिन रोज़ ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और उसके बाद आज दिन संडे था ना, तो शौर्य आज कैली को नहला रहा था, तो इसको संडे टू संडे हम लोग नहलाते हैं, और गर्मियाँ होती हैं तो ज़्यादा भी नहला देते हैं। तो यहाँ पे शौर्य ने उसे नहला दिया था और अभी शौर्य को डॉग ने काट लिया। आप लोगों ने काफ़ी सारे सवाल पूछे, उसका जवाब मैं आप लोगों को आगे दूंगी। तो यहाँ पे शौर्य नहला के ऊपर चला गया था नहाने के लिए, तो फिर यहाँ पे मैं इस पर डाल रही थी पानी। और संडे वाले दिन है ना, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम सब लोग है ना मिलके कर लेते हैं, बच्चे भी करवा देते हैं, मैं खुद भी कर लेती हूँ। और अभी इस टाइम पे जो वीडियो है ये शौर्य शूट कर रहा है, पहले मैंने कर ली थी। तो ऐसे मिलजुल के हम सब लोग काम कर लेते हैं। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप मंडे की। तो यहाँ पे मंडे का दिन था और मैं मॉर्निंग से ही ब्लॉग स्टार्टिंग करने की कोशिश कर रही थी, तो परी उठ के आई थी और कॉलगेट वगैरह कर रही थी। शौर्य अभी सो रहा है और आज शौर्य की छुट्टी हैगी, शौर्य के भी पेपर चल रहे हैं तो उसकी आज छुट्टी है। तो यहाँ पे ना सुबह उठने के बाद ना मुझे बहुत तेज़ नींद आती, मेरा उठने का मन ही नहीं करता, मैं अलार्म लगा देती हूँ फिर सो जाती हूँ। और उस सो गाइस, बज रहे हैं 6:30, परी तैयार होके आ गई है और मैं झाड़ू लगा रही थी। मम्मी ने झाड़ू लगा दी, लगा रही थी, आधी लगा दी थी, मम्मी बोली मैंने झाड़ू लगा दी है। और क्या आ रहा है फोन में लाइन सी, तो अब मैं परी के लिए जा रही हूँ पूरी सेकने आटा। सो गाइस, सुबह सुबह ना नींद बहुत अच्छी आती है और आजकल ना मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है तो उठने का मन ही नहीं करता, मतलब ऐसा लगता है सुबह के टाइम सो तो, लेकिन हम मम्मियों को टेंशन हो जाती है फिर बच्चे भूखे जाएंगे, तो इसलिए ना हम लोग सुबह जल्दी उठ के नाश्ते पानी में लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इससे पहले ना काफ़ी सारे काम अपने कर चुकी हूँ, जो कि मैं मुझे ये लगता है कैमरा सेट करो फिर उन सारी चीज़ों को दिखाओ ना, तो मैं वो सारे काम कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने किचन में आई और परी के लिए पूड़ियों के लिए आटा माड़ा। पहले मैं भिंडी की सब्जी बना रही थी लेकिन परी ने बोला मैं भिंडी की सब्जी नहीं लेके जाऊँगी, मैं अचार और पूड़ी लेके जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से उसके लिए दूध वूध डाल दिया है और आटा मतलब लगा दिया है, आटा भी अभी लगाया था मैंने। और उसके बाद मैं इसके लिए पूड़ियाँ सेक दूँगी और अचार से ये पूड़ी ले जाएगी। तो बस सुबह सुबह के जो काम है ना वो कुछ इस तरीके से होते हैं। और पता है अभी मैं आप लोगों के साथ है ना कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। आप में से ना कई लोगों ने मुझसे ये पूछा कि रिया आपने तीज का व्रत क्यों नहीं रखा, एक तो शायद एक नाम तो मुझे याद है माँ बेटी की दुनिया। तो ये सवाल ना मुझे 2-3 दिन से लगातार पूछी है, कई लोगों ने मुझे DM भी किया हुआ है कि रिया आपने तीज का व्रत क्यों नहीं रखा। तो मुझे नहीं पता कि आपने किस वे में सवाल पूछा है, बाकी आप लोगों को पता होगा कि तीज का व्रत किसके लिए रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, और मैं तो इस व्रत को नहीं रख सकती। हेलो गाइज, बज रहे हैं सुबह के 9, परी गई हुई है स्कूल, शौर्य के चल रहे हैं पेपर। तो शौर्य आज स्कूल नहीं गया है, उसकी एक दिन छोड़ के मतलब एक दिन पेपर हो रहे हैं। और नीचे का काम करने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर। सारा मतलब सुबह के टाइम ना सभी का घर है ना फैला फैला होता होगा, मेरा घर भी फैला हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इधर चद्दर पड़ी है, उधर मैट पड़ा है, इधर चद्दर खुली पड़ी हुई है, इधर प्रेस का सारा खुला पड़ा है, तो घर को समेटने में ना टाइम लग जाता है। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि कल आप लोगों ने ना काफ़ी सारे लोगों ने DM मुझे किया इंस्टा पे कि रिया शौर्य की तबीयत अब कैसी है, शौर्य की तबीयत ठीक है, शौर्य को जिस दिन डॉग ने काटा था ना, स्ट्रीट डॉग ने काटा था, तो उसी टाइम पे ना उसको इंजेक्शन लगवा दिया था और अभी उसके 2 इंजेक्शन और रह रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मतलब इतनी फिक्र करते हैं, और बहुत सारे लोग तो कुछ जो खास लोग हैं वो इतने अच्छे हैं कि अगर बाई चांस मेरी 2-3 दिन वीडियो नहीं आती ना तो वो लोग है ना DM करना स्टार्ट कर देते हैं इंस्टा पे, रिया आप कहाँ हो, वीडियो रोज़ डाला करो, हम आपकी वीडियो का वेट करते हैं। हाँ, मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हैं, जुड़े तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन शायद बहुत कम लोग वीडियो देखते हैं, तो वो लोग है ना मतलब इतना मुझे पसंद करते हैं, मतलब एक तरीके से ना जैसे फैमिली के लोगों को टेंशन होती है ना, उस तरीके से उन लोगों को मेरी टेंशन हो जाती है, वो पूछते हैं कि रिया ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो मुझे बहुत खुशी होती है, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। तो शौर्य की अब तबीयत ठीक है, उसके इंजेक्शन 2 लग गए हैं, 2 इंजेक्शन उसके रह रहे हैं और शौर्य के पेपर भी चल रहे हैं, तो शौर्य के 2-3 पेपर और रह गए हैं। और परी के पेपर 21 तारीख से स्टार्ट है, जिसके भी बच्चे 10th क्लास में होंगे उनको पता होगा। और मेरे पास ये कमेंट भी बहुत बार आया है कि रिया परी कौन सी क्लास में है, परी 10th क्लास में हैगी, शौर्य 7th क्लास में है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, काफ़ी सारे सवाल आ रखे हैं लेकिन अब मैं ना किस दिन है ना आप लोगों के सवालों के जो जवाब है ना, अब तो दूसरा फ़ोन है उसमें से देख के मैं दूंगी, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल ऐसे आते हैं जिनके मैं जवाब नहीं देती हूँ, वो लोग मुझसे सवाल पे सवाल किए जाते हैं। और एक और है माँ बेटी की दुनिया, उन्होंने मेरे से कल भी और शायद परसों भी
दो दिन से लगातार वो मेरे से पूछ रही है कि रिया आपने तीज का व्रत नहीं रखा है, तो सबसे पहले तो आप जो भी हैं मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि तीज का जो व्रत है वो आप लोगों को पता है मैरिड लेडीज़ें रखती हैं और शायद कुंवारी लड़कियाँ भी रखती हैं, तो ये जो व्रत है वो हस्बैंड के लिए रहा जाता है, तो मैं तो इस व्रत को नहीं रह सकती हूँ, ठीक है। और हमारे में ना जो तीज का व्रत है वो रहा भी नहीं जाता है, तो अब अगला जन्म अगर बाई चांस मिले तो शायद तीज का व्रत में रहूं, लेकिन हमारे में तीज का व्रत नहीं रहते हैं, हमारे में करवा चौथ का व्रत रहते हैं और मैं तो दोनों में से कोई भी व्रत नहीं रख सकती हूँ। तो बस यही है, आपने मुझसे बोला था कि रिया प्लीज़ मेरी बातों का आंसर ज़रूर देना, तो मैंने कहा नहीं यार, आप लोग है ना मुझसे बहुत सारे कमेंट करते हो और मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। अभी इस टाइम में ना मैं थोड़ा सा बिजी भी चल रही हूँ, एक तो पता है क्या शौर इतना शैतान है, आप लोगों ने कल कमेंट भी किए हैं कि रिया बच्चे शैतानी होते हैं, उनको प्यार से समझाओ। सच बता रही हूँ, मैं प्यार से उसे इतना समझाती हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा शैतान है वो। वैसे ना उसके लिए ना मतलब एक बार उसको हमने मतलब एक बाबा थे मतलब बहुत अच्छे थे वो, तो उन्होंने बताया था कि ये ना मतलब बहुत शैतान रहेगा, बहुत शैतान, इसकी शैतानियों पे ना आपको नज़र रखने पड़ेगी, लेकिन बड़ा होते होते ये शांत हो जाएगा। लेकिन अभी इसकी शैतानियाँ मुझे बहुत परेशान कर रही हैं। पता है क्या होता है, बच्चे शैतानी कर देते हैं लेकिन साथ ही साथ है ना वो अपने शरीर को हार्म पहुँचा लेते हैं। चलो ठीक है, चीज़ों का नुकसान हो जाए वो कोई नहीं है। कई बार मैं अभी जो इससे पहले वाला फ़ोन था मेरा सैमसंग वाला, वो दो बार इसने तोड़ा था, एक बार तो मैंने इसकी पिटाई भी लगा दी थी, लेकिन है ना मतलब दूसरी बार भी फिर इसने तोड़ दिया। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि चलो बच्चों से ही नुकसान होते हैं, हम लोगों से भी कभी बहुत सारे नुकसान हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन जो शरीर को हार्म पहुँचाते हैं ना फिर इससे क्या होता है कि हम लोगों को दुख होता है। उस दिन इसे कुत्ते ने काटा ना, तो मतलब मैं इसको मतलब डांट रही थी लेकिन अंदर ही अंदर है ना मुझे ना मतलब मैंने लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें खोई हैं, तो मुझे ना अंदर ही अंदर ना डर सा भी रहता है, लेकिन मैं उन सब चीज़ों को ना बच्चों के आगे नहीं दिखाती हूँ, तो फिर मेरे अंदर ही अंदर मैं रोने लग गई थी। तो ऐसा होता है कि ना बच्चे ना अपनी शैतानियों की वजह से ना अपने आप को ही हार्म पहुंचा लेते हैं, जो कि ना बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात हो जाती है। और कई बार ऐसा हुआ है कि इसकी मतलब ये कोई भी शैतानी करता है ना उसकी वजह से ना घर तो परेशान होते ही होता है, साथ में ना मतलब अपने शरीर में भी हार्म पहुँचाता है। जैसे मटकी फोड़ी थी इसने तो इसका पूरा ये सर फट गया था, तो सर फटने से इतना ब्लड निकला था, मतलब ये सोचो कि हम खिलाते हैं पिलाते हैं बच्चे को कि भाई हमारा बच्चा सही रहे तंदुरुस्त रहे, और एक झटके में समझ सकते हो ना। हालांकि कई लोग बोलते हैं कि ना बहुत मतलब बड़ी चोट लगनी होती है तो छोटी लग जाती है, ऐसा होता है क्योंकि देखो सब लोग अपना अपना ओपिनियन रखते हैं, लेकिन सच में बहुत शैतान है ये बहुत ज़्यादा, और इस वजह से ना मेरे से कभी कभी पिटाई भी खा लेता है। और मुझे ऐसा लगता है शैतान बच्चे बहुत पिटाई खाते होंगे, कई लोग बोलते हैं इसे मारा मत करो, लेकिन क्या करूँ जब ये बहुत शैतानी करता है ना। और पता है खासकर ये कब पिटता है, जब ये अपने शरीर में हार्म पहुँचाता है, मुझे बहुत गुस्सा आती है, तो बस इसीलिए। बाकी अब शौर बिल्कुल ठीक है, उसकी शैतानियाँ फिर से स्टार्ट हैं, फिर से वो अपने शैतानियों में कंटिन्यू है बस उसको थोड़ी देर के लिए टेंशन होती है, बाकी उसके बाद उसको कोई टेंशन नहीं है, वो अपनी शैतानियों में फिर से कंटिन्यू हो जाता है। और मतलब परी और शौर्य में इतनी लड़ाई होती है मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। किस दिन मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर भी किया है, बाकी मैं आप लोगों के साथ फिर भी शेयर करूंगी, और फिर दोनों पिटते हैं मेरे से। मुझे ऐसा लगता है कि ना जिसके घर में ना मतलब बच्चे ऐसे तरह ऊपर के होते हैं ना जिनमें गैपिंग कम होती है, और जैसे बच्चों में गैप ज़्यादा होता है ना, बोलते हैं कि बच्चों में अगर एक बच्चा हो गया उसके बाद 4-5 साल 6 साल का गैप होता है तो शायद बच्चों में लड़ाई कम होती है, लेकिन बच्चों में अगर गैप कम होता है ना तो बच्चों में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। मेरे में और जो मेरे से छोटा भाई है ना उसमें बहुत लड़ाई होती थी, और जो मेरा सबसे छोटा वाला भाई और छोटी बहन है उन दोनों में बहुत लड़ाई होती थी। तो किस किस के घर में ऐसा होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन शादी होने के बाद ये सारी चीज़ें मतलब ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन शादी से पहले मिनट मिनट पर लड़ाई होती है, एक दूसरे की चीज़ों को निकाल लेना, एक दूसरे की चीज़ों को खा लेना, एक दूसरे के बैग में से पेन निकाल लेना, एक दूसरे की चीज़ों को इधर उधर रख देना, छुपा के रख देना, फिर परेशान करना, ये शायद हम लोगों ने भी बहुत किया, लेकिन अभी हम मम्मियाँ बन गए हैं तो हमें गुस्सा आती है। और शौर्य इतना करता है, कभी परी के बैग में से पैसे निकाल लेगा, कभी पेन निकाल लेगा, कभी कुछ निकाल लेगा। हालांकि परी भी करती है, परी भी कम नहीं है, मतलब ये है कि उसको वो तो शैतान है तो उसका नाम तो आई आ जाता है, लेकिन परी का ये है कि परी ये सब काम कम करती है तो उसका नाम कम आता है। तो ये है मतलब सबके घरों में होगा, मेरे हिसाब से ना जिसके घर में जिसके बच्चों में गैपिंग कम होगी ना उनके घर पे सब में यही हाल होगा। तो चलिए अब मैं कर लेती हूँ काम फटाफट से, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे। और किसी का कमेंट आया था कि शायद आज वो अब की बार उन्होंने न्यू कमेंट किया था
कि रिया ब्लॉग डेली डाला करो, आपके ब्लॉग का हमें वेट रहता है, हम कमेंट नहीं करते हैं लेकिन आपके ब्लॉग सच में बहुत अच्छे होते हैं। मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि मैं ब्लॉग डेली डालूँ, लेकिन क्या करें यार, अभी इस टाइम ना स्टिचिंग का काम भी बहुत आ रखा है और मैं सोच रही हूँ कि थोड़े से पैसे हो जाए तो मैं अपने लिए मशीन भी ले ही लूँ स्टिचिंग वाली। तो ये देखिए, ये अभी जो सारा काम पड़ा है ना, ये कटिंग का पड़ा हुआ है, इससे पहले मैं करके दे चुकी हूँ, इधर भी जो काम है वो भी कटिंग का है। तो आज मैं सोच रही हूँ कटिंग करूँगी और उसके बाद फिर धीरे धीरे स्टिचिंग करूँ, क्योंकि अभी 15 दिन कनागते आ जाएंगे ना, तो कनागते भी आने वाले हैं, तो कनागतों में तो मतलब कोई नए कपड़े वगैरह खरीदता नहीं है, जो पहले की स्टिचिंग है वो सारी मैं ख़त्म कर दूँगी। फिर नवरात्रों में तो फिर आप लोगों को पता ही है, घर के काम भी स्टार्ट हो जाते हैं और फेस्टिवल भी आ जाते हैं। पहले ये था कि मम्मी घर पे रहती थी तो मम्मी मतलब हेल्प करवा देती, अब पता है सारी चीज़ों का बर्डन खुद पे ही आ गया है। और कई बार कमेंट मुझे आ चुका है कि आपने दीदी अपनी सास से बहुत दिनों से नहीं मिलाया, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरी जो मम्मी है वो सुबह ही चली जाती है, मतलब मेरी जो सासू हैं वो सुबह ही दुकान पर चली जाती हैं, सुबह 6-7, 7:30 बजे तक वो दुकान पर चली जाती हैं, 7 बजे तक वो चली जाती हैं दुकान पर। तो वो दोपहर में थोड़ी बहुत देर के लिए आती हैं, फिर वो आके खाना वाना खा के थोड़ी देर आराम करती हैं, तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा कहेंगे तो मैं ज़रूर उनसे मिलवाऊंगी आपको। और रात को वही आती है वो 11 बजे तक, तो मैं शायद उनको ब्लॉग में नहीं ला पाती हूँ। और पहले ये था कि जैसे पापा वगैरह चले जाते थे दुकान पे, और पता है धीरे धीरे मतलब पापा को 1 साल हुआ जा रहा है, सितंबर चल रहा है और दिसंबर में पापा को 1 साल हो जाएगा, मतलब 1 साल कब निकल गया पता भी नहीं चला है। और अब ना फेस्टिवल आ रहे हैं ना, तो पता है मैं ना जब घर में खाली होती हूँ ना, तो मुझे ना मतलब याद आता रहता है कि पिछली बार थे, और पिछली बार दिवाली पे थे, नवरात्रों पे थे, और शायद हम लोगों को जब इतना फील होता है तो शायद मम्मी वगैरह को बहुत फील होता होगा, बच्चों को भी फील होता है। अभी परसों नर्सों हम लोग बैठे हुए थे ना, तो बैठे बैठे बातें कर रहे थे, तो परी शौर्य बोल रहे थे कि मम्मी पिछली बार इस टाइम पे पापा थे, है ना, तो लगता है। लेकिन है ना, हम लोग है ना, देखो अगर एक जना दुखी होगा घर में तो एक जने के दुखी होने की वजह से बहुत सारे लोगों के मुंह पे ना थोड़ा सा उदासी आएगी, तो इसलिए ना मैं देखती हूँ, देखो जो आया है उसे जाना तो है ही, ठीक है, तो इसलिए ना खुश रहो, जो चला गया है वो कभी वापसी तो आएगा नहीं, तो यादें हमेशा दिल में रहती हैं और मौके मौके पर याद भी आती है, लेकिन शायद हमारे याद करने से या रोने से वो कभी वापसी नहीं आएगा, और शायद हम अपने रोने से और याद करने से ना उस इंसान को दुखी देंगे, क्योंकि उसको अगला जन्म मिल चुका होगा और वो अपनी अगली जो लाइफ है उसमें खुश होगा, खुश होंगे, होगा। अब तो उन्हें अलग क्योंकि देखो शरीर मरता है, आत्मा कभी भी नहीं मरती है, तो आत्मा को जन्म मिल चुका होगा तो वो अपनी लाइफ में खुश होंगे, क्या कह सकते हैं, मैं कैसी कैसी बातें कर रही हूँ लेकिन जो है वो है, जो रियलिटी है वो तो रियलिटी है। पहले मैं इन सब चीज़ों को ना मतलब बहुत वो करती थी, सोचा करती थी, मतलब बहुत वैसी बातें हैं ये, क्या मैं बातें कर रही हूँ आप लोगों से। तो चलिए मैं कर लेती हूँ काम, और आज का ब्लॉग है ना बस ऐसे ही हो गया है, तो चलिए मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिया करिए, और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू जुड़ रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करा करो प्लीज़, जल्दी जल्दी से मेरे 50K करवाओ, जल्दी से 50K करवाओ, पता नहीं मैं 1 लाख तक तो कब पहुँचूंगी। कई लोग बोलते हैं कि रिया आप आगे पहुँच जाना, और मेरे साथ ना बहुत प्यारे प्यारे यूट्यूबर्स जुड़े हुए हैं जिनके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, बट सच बता रही हूँ वो इतनी अच्छी अच्छी एडवाइस देते हैं। पता है मैं कभी भी ना लालच की वजह से दोस्त नहीं बनाती हूँ, यूट्यूब पे मेरे इतने सारे दोस्त बने हुए हैं, छोटे यूट्यूबर्स भी हैं, बड़े यूट्यूबर्स भी हैं, बट मैं कभी भी लालच की वजह से दोस्त नहीं बनाती हूँ, बट उनसे ना मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत अच्छी अच्छी एडवाइस देते हैं। मैं आप लोगों को एडवाइस देती हूँ लेकिन मैं उन यूट्यूबर्स से भी बहुत कुछ सीखती हूँ, बहुत कुछ। थैंक यू यूट्यूब पर आने की वजह से ना मुझे इतने प्यारे प्यारे दोस्त मिले हैं, इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिले हैं, क्योंकि कुछ बातें हम उनसे करते हैं, कुछ बातें वो हमसे करते हैं, तो मन में ना एक पॉजिटिविटी आती है, और जब कभी हम अपनी लाइफ से हारने लगते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है नहीं यार हमें उसने ये बात बताई थी, तो ऐसा होता है। और मैं अपनी YouTube फैमिली, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे YouTube के जो दोस्त हैं, उन सबको बहुत 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 सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि YouTube पे आने की वजह से ना मुझे इतने सारे लोग मिले हैं, इतनी बड़ी फैमिली मिली है, इतने अच्छे अच्छे लोग मिले हैं। सो थैंक यू, बाय बाय।